कनेडा खेत्रफल के हिसाब के नाल दुनिया का दूजा सब तो बड़ा देश है। यह अमरीकी महाद्वीप के उपर वसया होया है। कनेडा इंडिया तो तकरीबन 11,500 किलोमीटर दूर है। धरती के बिल्कुल दूजे सिरे के उपर वसया होया है। अज कनेडा सिखा का गढ़ बनता जा रहा है, जिथे भारत के सिखा की गिणती 1.7% है, उत्थे ही कनेडा के सिखा की गिणती अज के टाइम 2.1% है। कनेडा दी सड़कों के उपर लगे जेकर तुसी साइन बोर्ड देखोगे तो उन्होंने उपर भी तुहानू पंजाबी लिखी हुई दिखाई देगी। कनेडा दे विच तीन सब तो वड्डियां भाषावां मनियां जांदियां ने। पहले नंबर ते इंग्लिश है, फिर फ्रेंच है, ते तीजे नंबर ते आउंदी है पंजाबी। अक्सर ही कनेडा दी सरकार सिखां ते उन्हां दे अधिकारां नूं लैके बयान दिंदी रहिंदी है, जदके सिख धर्म की शुरुआत इंडिया दे विच हुई सी। अज तो 126 साल पहला कनेडा दे विच सिखां दी गिणती 0 सी, ते अजिहा की होया एक सदी दे विच जिहड़ा कनेडा सिखां दा गढ़ बन गया। यही विषय जां कहीए यही टॉपिक दे उपर अज दी इह सारी वीडियो है। इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कनेडा सिखां दे लई कोई धार्मिक जां कोई पवित्र देश भी नहीं सी, इह भी होर विकसित पछमी देशां दी तरह एक देश सी। ते इत्थे सवाल उही आ जांदा है कि फिर भी सिखां ने रहण दे लई ही कनेडा क्यों चुणिया। सन 1897 दी गल है। इंडिया दे उपर अंग्रेजां दा राज सी, ते कनेडा दे उपर भी उस टाइम अंग्रेजां दा राज सी। इस साल ही ब्रिटेन दी राणी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी दी एक सेना दी टुकड़ी नूं अपनी सिल्वर जुबली दे विच शामिल होण दे लई इंग्लैंड आउण दा हुक्म दित्ता। इस टुकड़ी दे विच ज्यादातर सिख सैनिक सन। इह टुकड़ी अंपायर ऑफ इंडिया नाम दे इक पाणी वाले जहाज राही होंगकोंग तो कनेडा होके इंग्लैंड वाल नूं अगे वध रही सी। इस टुकड़ी दे विच इक सैनिक सी जिसका नाम सी रसेलदार मेजर केसर सिंह। इह जदों कनेडा दे वैनकूवर पहुंचे तां उत्थे ही रुक गए, ते अगे इंग्लैंड नूं नहीं गए, ते उन्हां दे नाल उत्थे कुछ होर सिख सैनिक भी रुक गए। इस करके ही मेजर केसर सिंह नूं कनेडा दे विच पहला वसण वाला सिख भी कहा जांदा है। मेजर केसर सिंह जिस दिन कनेडा दे विच जाके पहले दिन उतरे सन, कनेडा दे कई हिस्सों दे विच उस दिन नूं भी मनाया जांदा है। जिहड़े सैनिक कनेडा दे विच नहीं रुके सन, उह इंग्लैंड तों होंदे होए वापस इंडिया आ गए। उन्हां ने इंडिया दे विच आके अपने बाकी दे साथियों नूं दस्सिया कि ब्रिटिश सरकार कनेडा दे विच भारतीयों नूं वसा रही है। इत्थों ही कनेडा वल सिखां दा आउणा शुरू होया, ते बहुत वड्डी गिणती दे विच खासकर पंजाब दे सिख कनेडा वल जाण लगे। ते कनेडा दे विच रहण वाले अंग्रेजां नूं इह गल चंगी नहीं लगी, ते उन्हां ने सिखां दा विरोध करना शुरू कर दिता। ते उन्हां ने कनेडा दे विच अजिहे कानून पास करवा दित्ते जिस दे कारण भारतीय लोक आसानी दे नाल कनेडा दे विच ना वस सकण। उन्हां दे विचों इक कानून इह सी कि जेकर कोई भारती कनेडा दे विच वसणा चाहुंदा सी तां उस दे कोल $200 होणे चाहीदे सन। ते अज तों इक सदी पहलां $200 मतलब 2 करोड़ जिनी रकम हुंदी सी, ते भारतीयां दे लई इन्नी ज्यादा रकम इकट्ठी करनी एक सुपने तो घट नहीं सी। ते दूजे पासे जेकर कोई यूरोप वाला कनेडा दे विच वसना चाहुंदा सी तां उस नूं सिर्फ $25 दी जरूरत हुंदी सी। इस भेदभाव तों बिना कनेडा दे विच सिखां नूं उस समें होर भी बहुत ज्यादा नस्ली भेदभाव दा सामना करना पिया सी। पर फिर भी साडे सामने इही सवाल आउंदा है कि सिखां ने आखिर कनेडा नूं ही इन्ना ज्यादा पसंद क्यों कीता, उत्थे जाके उह क्यों वसे। जदों कनेडा वल्लों इह जिहियां पाबंदियां लगण लग्गियां तां भारती लोकां दे विच इंग्लैंड जाके वसण दा क्रेज बहुत ज्यादा वध गया, ते वड्डी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
सिख पिछली एक सदी तो कनेडा दे विच वसे हुए ने ते इत्थे इन्हां नूं हौली हौली करके सारे अपने धार्मिक अधिकार मिल गए ने ते कनेडा जाण दे नाल सिख परिवारां दा ना सिर्फ लाइफस्टाइल वधिया होया है ते बल्कि काफी ज्यादा अमीर जां कहीए पैसे विच भी हो गए ने क्योंकि कनेडा दी करंसी कनेडियन डॉलर है ते एक कनेडियन डॉलर दे इंडिया दे विच लगभग 60 रुपए बणदे ने। हुण कनेडा दे विच जाके विद्यार्थियां नूं रहना ते इत्थों दी परमानेंट रेजिडेंस लैणा भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। मतलब कि जिहड़ा स्टूडेंट कनेडा दे विच जांदा है अपनी स्टडी पूरी करन तों बाद अगले 3 तों 4 सालां दे विच उस नूं कनेडा दी परमानेंट रेजिडेंस या कहीए पीआर मिल जाती है। जेकर तुहानू कनेडा दी पीआर मिल जाती है तो उस तो बाद कनेडा दी नागरिकता लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अजिहा नहीं कि कनेडा दे विच सारे काम ही बहुत सौखे ने, पर दूजे देशों के मुकाबले इत्थे कुछ सौखे ने। जिवें कि मैं तुहानू पहला ही दस्सिया सी कि कनेडा दुनिया का दूजा सब तो वड्डा देश है ते खेत्रफल दे हिसाब दे नाल कनेडा दे विच आबादी भी बहुत घट है। कनेडा की आबादी अज दे दिन 3.5 करोड़ है, जिथे भारत चीन ते बंगलादेश अपनी वध आबादी तो परेशान ने उत्थे ही कनेडा अपनी घट आबादी तो परेशान है। इस करके कनेडा की सरकार भी अपनी आबादी नूं वधा के अपनी इकोनमी नूं मजबूत करना चाहती है ते कनेडा की सरकार का विजन भी है कि वह जल्दी तो जल्दी कनेडा की आबादी 10 करोड़ तो पार कर लैन। यही कारण करके कनेडा अपने देश दे विच बहुत सारे विदेशियों हुण नागरिकता वंड रहा है, जिस दे विच एक बहुत वड्डा अंकड़ा पंजाबी लोगों का भी है। पर कनेडा दे विच रहण दे कुछ नुकसान भी ने जिस दे बारे बहुत घट लोग गल करते हैं। असीं इस दे उपर एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच है, तुसीं जाके उह वीडियो नूं भी देख सकते हो। जिवें कि कनेडा का वातावरण जां कहीए क्लाइमेट काफी ज्यादा बुरा है, इत्थे ज्यादातर समय ठंड ही जां कहीए बर्फ पैंदी रहिंदी है ते ठंड दे कारण इत्थे लोगों का बाहर निकलना भी औखा हो जाता है। इस करके ही जदों कोई नवा नवा कनेडा दे विच जाके वसदा है तां उस नूं ठंड बहुत ज्यादा तंग परेशान करदी है। सर्दी तों बिना जां कहीए ठंड तों बिना कनेडा दे विच इक बहुत वड्डी समस्या होर भी है, उह है उत्थों दा टैक्स सिस्टम। कनेडा दे विच बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, इत्थों तक कि इंडिया तों भी कितें वध टैक्स तुहानूं कनेडा दे विच देना पैंदा है। हालांकि इह टैक्स दे बदले तुहानूं कनेडा दी सरकार बहुत ज्यादा फ्री दे विच सहूलतां भी दिंदी है। कनेडा दे विच जेकर सारे टैक्स नूं मिला दित्ता जावे तां तकरीबन जिन्नी तुसीं कमाई करदे हो उहदा अद्धा हिस्सा तुसीं टैक्स दे विच दे दिंदे हो। कनेडा दीआं अलग अलग स्टेटां दे विच अलग अलग टैक्स पैंदा है, इत्थों दी किसे स्टेट दे विच तां तुहानूं 53% टैक्स भी देना पैंदा है। मतलब कि 1 लाख दे विचों 53,000 तुहाडा टैक्स निकल जाएगा। हालांकि इह टैक्स दे बदले उत्थों दी सरकार तुहानूं फ्री दे विच हैल्थ सर्विस दिंदी है ते वधिया एजुकेशन सिस्टम भी दिंदी है। सांझी सिखां दे कनेडा दे विच वसण दे कुछ कारण तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना ते साडे यूट्यूब दे चैनल जो टीम जरूर सबसक्राइब करना। धन्यवाद।